अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के लिए देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसरो के पास आज स्वदेशी संचार, भू अवलोकन एवं नेविगेशन उपग्रहों का एक बड़ा समूह है। इसरो आज अपने अधिकांश उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में स्वयं सक्षम है। आज हमारे पास PSLV, GSLV Mark 2 एवं अधिक भार उठाने वाला GSLV Mark 3 जैसे क्रियाशील प्रक्षेपण यान है। PSLV भारत का सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला बहुमुखी विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। इसके द्वारा कई अति महत्वपूर्ण अभियान जैसे चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन एवं एस्ट्रोसैट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यह PSLV C-46 का 72वां अभियान होगा एवं शार के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से 36वीं उड़ान होगी। पहले भारतीय रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-2 को 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। उसके पश्चात 2012 में देश का एक और रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 प्रक्षेपित किया गया। इसी श्रृंखला में देश के तीसरे रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-2B को 555 किलोमीटर की कक्षा में PSLV C-46 के आगामी अभियान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। RISAT-2B एक माइक्रोवेव सुदूर संवेदी उपग्रह है जिसमें एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड लगाया गया है एवं इसकी संभावित आयु करीब 5 वर्ष है। एक बार क्रियान्वित हो जाने पर यह RISAT-2 की सेवाओं को जारी रखेगा। यह हर मौसम में कई प्रकार के भू अवलोकन उपयोग जैसे कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन सहयोग के क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा। प्रक्षेपण को देखने के लिए लोगों में बढ़ती रुचि को देखते हुए इसरो ने SDSE शार में एक अत्याधुनिक दर्शक दीर्घा का निर्माण किया है जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2019 में किया गया। वर्तमान में इसमें लगभग 5000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। PSLV C-46 PSLV के कोर लोन संस्करण की 14वीं उड़ान अब श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के एक और महत्वपूर्ण अभियान के लिए तैयार है।